हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेनियो अपडेट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह सभी यहां पर कवर करने वाले हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इस टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि क्या थी? आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किसने खोजे थे? आंसर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कब खोजे गए थे? आंसर है 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस स्थान पर खोजे गए थे? आंसर है हड़प्पा नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था? आंसर है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? आंसर है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आंसर है नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, सिंधु घाटी सभ्यता की इंडो की विशेषता क्या थी? आंसर है उन पर किसी भी प्रकार का चित्र नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, सिंधु घाटी सभ्यता की कच्ची ईंटों पर किस प्रकार के चिन्ह मिलते थे? आंसर है कुत्तों और कौवे के पंजों के निशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम क्या था? आंसर है कृषि कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलेवन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न क्या थे? आंसर है गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मोहरे एवं वस्तुएं कहाँ से मिली है? आंसर है पश्चिम एशिया तथा मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन, हड़प्पा संस्कृति में तौल के बांट किस प्रकार के हुआ करते थे? आंसर है 16 अथवा इसके गुणज के। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 16, 64, 160 इस प्रकार के हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पशुपतिनाथ का वाहन किस पशु को माना जाता था? आंसर है बैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पक्षी किसे माना जाता था? आंसर है फाख्ता को। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मृतकों के संस्कारों में कितनी और कौन सी विधियां प्रचलित थी? आंसर है तीन विधियां। यह कौन कौन सी विधियां देखिए, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रयोग लिपि को किस प्रकार लिखा जाता था? आंसर है प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रयोग की जाने वाली लिपि का तरीका क्या कहलाता था? आंसर है बाउस्टोफिडन। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बाउस्टोफिडन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है कंस की नर्तकी, देवदासी की मूर्ति, सूती कपड़े, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, विशाल स्नानागार, जहाज के निशान वाली मोहर, कांस्य का पैमाना, पशुपति शिव की प्रतिमा और स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर है लकड़ी की नाली, काली मिट्टी की चूड़ियां, जूते और खेत का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21, लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य और चावल की खेती का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लोथल और कालीबंगन से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है अग्निकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है R37 कब्रिस्तान यानी कि 3 कक्षों का कब्रिस्तान और यहाँ पर माता देवी की प्रतिमा का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, चनहोदड़ो यानी कि सिंध से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है मनके बनाने का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सुरकोटडा से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है घोड़े का कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रंगपुर से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है गेहूं की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बनावली से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? आंसर है जौ की खेती। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? आंसर है प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में बड़े नगर की संख्या कितने नगर को दी गई थी और वह कौन से नगर हैं? आंसर है 6 नगर। यह कौन कौन से नगर है देखिए, तो यहाँ पर ये 6 नगर है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस स्थान पर खोजे गए थे? आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? आंसर है लोथल और सुरकोटडा में। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? आंसर है अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किस देवता की मूर्ति मिली है? आंसर है 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर देवता की मूर्ति के चारों ओर कौन कौन से जानवर की आकृति विराजमान है? आंसर है हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? आंसर है एक सरंगी पशु का, एक सरंगी का अर्थ है एक सिंग वाला पशु। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि है? आंसर है भावचित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर है ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? आंसर है शहद का। क्वेश्चन नंबर 39, पिगट ने किसको एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? आंसर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इस सभ्यता के लोगों के लिए कौन सा पशु विशेष पूजनीय था? आंसर है कुबड़ वाला सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वतस। यहाँ पर ये इसका उत्खनन 1981 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है राखालदास बनर्जी। इसका उत्खनन 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, चनहोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है गोपाल मजुमदार।
इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है बी बिलाल और बी के थापर। इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कोट दीजी के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है फजल अहमद। इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है रंगनाथ राव। इसका उत्खनन 1953 से 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है यज्ञदत्त शर्मा। इसका उत्खनन 1953 से 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है रंगनाथ राव। इसका उत्खनन 1955 और 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है यज्ञदत्त शर्मा। इसका उत्खनन 1958 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत कांगेडोर के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है ओरेज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। क्वेश्चन नंबर 51, बनमाली के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है रविंदर सिंह बिष्ट। इसका उत्खनन 1974 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? आंसर है रविंदर सिंह बिष्ट। इसका उत्खनन 1990 से 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? आंसर है मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आंसर है टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण किसे माना जाता है? आंसर है बाढ़ को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर हमने इस टॉपिक के जो भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह सभी देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल का नाम है एसपी यूनिक ट्रिक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।